हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल ब्रिलियंट ब्यूटी पे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं और आपके लिए ये कितने फ़ायदेमंद हैं। ठीक है, तो आज जो हमारी वीडियोस हैं वो है हमारे फेशियल हेयर के लिए। ठीक है, जो हमारे फेस पे हेयर होते हैं उनको हम कैसे हटाएं, उनको कैसे ठीक करें, जड़ से कैसे उनको हम ख़त्म करें। ठीक है, इसके लिए जो हमें चीज़ें मिलेंगी वो हमारे किचन में ही अवेलेबल हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए हैं, ठीक है, तो आपको हम वो आपको बताते हैं। ठीक है, पहले बेसन। ठीक है, हमें क्या चाहिए, बेसन। इसमें तो दोस्तों ये मैंने लिया है बेसन। ठीक है, तो बेसन में दो तीन चीज़ें मिक्स करके आप हमेशा के लिए फेशियल हेयर को हेयर से क्या आप छुटकारा पा सकते हैं। इसमें वो दो तीन चीज़ें मिक्स करनी है और उससे क्या है जो अपने हेयर जो अपने सॉरी फेशियल हेयर है उनसे आप क्या है छुटकारा पा सकते हैं। क्या है, हम सभी फेशियल हेयर के लिए क्या है नए नए तरीके ढूंढते रहते हैं जो फेशियल हेयर को रिमूव कर रहे, मतलब रिमूव भी करे और उसका अपने फेस पर क्या है कोई साइड इफेक्ट भी ना हो। ठीक है, तो ये जो घरेलू नुस्खा है इसका हमारी स्किन पर कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, ये किसी भी एज का आदमी हो या मतलब औरत हो, लेडी या मैन, कोई भी इसको लगा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो जो मैं आज क्या है आपके लिए ये होम रेडमी लेके आई हूँ। ठीक है, जो आपके फेशियल हेयर है उनको क्या है जड़ से ख़त्म कर देगा। ठीक है, तो ये आपको पता है, बता दिया मैंने कि किसी भी एज का इंसान है जो इसको लगा सकता है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो इसमें हमें और क्या चाहिए है, इसमें हमें चाहिए है फिर इसमें लेना है हमें शहद। ठीक है, दूसरा क्या लेना है इसमें हमें शहद। ये मैंने क्या है 2 टीस्पून किसके लिए थी, बेसन की, और ये 1 स्पून है जो वो मैंने ली है शहद की। ठीक है, तो शहद और इसमें हम थोड़ी सी लेंगे हल्दी, बिल्कुल चुटकी भर हल्दी। तो आप देख लेना कि जो ये हम यूज़ करते हैं ना, इसमें क्या बोलते हैं इसको, खाने में जो यूज़ करते हैं हल्दी, वो हमें बिल्कुल भी नहीं लेनी है। ठीक है, तो उससे क्या है हमारी फेस पे जो छोटे छोटे दाने हो जाएंगे, स्किन को सूट नहीं करेगी, वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। वो जो हम खाने वाली हल्दी होती है उसके लिए नहीं, हम लेंगे कस्तूरी हल्दी। ठीक है, ये बाज़ार में आपको मिल जाएगी कहीं से भी। ठीक है, ये देखिए मैंने थोड़ी सी ये हल्दी ली है। ठीक है, किचन वाली हल्दी हमें बिल्कुल भी यूज़ नहीं करनी, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना। ठीक है, फिर जो हमें चाहिए है वो है नींबू। ठीक है, जो नींबू है क्या है, नींबू डालने से क्या है कि हमारा जो इसमें मेन मुद्दा है नींबू डालने का यही है कि जो नींबू है ना वो हमारी स्किन को क्या है ब्राइट करती है। ठीक है, कई बार क्या होता है कि जो हमारे हेयर है वो निकलने के बाद तो वो ब्लैक, जो हमारी वो जगह वो ब्लैक पड़ जाती है। ठीक है, तो वह स्किन को क्या करता है, जो काली स्किन पड़ जाती है ये आपकी स्किन को ब्राइट कर देगा। ठीक है, नींबू डालने का इसमें ये फायदा है। तो आधा नींबू मैंने इसमें लिया है। ठीक है, आधा नींबू लिया है और फिर जो मेन है आप इसमें क्या है दूध ले सकते हैं। ठीक है, दूध ले सकते हैं, अगर दूध आपकी दूध तो मेरे ख्याल से सभी की स्किन को सूट कर सकता है, और दही भी ले सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसमें दही का यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, आप दूध भी ले सकते हैं और दही भी ले सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो मैं इसमें दही ले रही हूँ। ठीक है, मैंने ये 2 दही ली है। तो आप इसका क्या है पेस्ट तैयार कर लीजिए ऐसे। देखिए ये बनकर इस प्रकार तैयार हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार ये तैयार हो जाएगा। और जहाँ पे भी अपने फेस पे हेयर हैं, हेयर ग्रोथ ज़्यादा है, जहाँ पे भी अपर लिप्स है या चिक्स के ऊपर है, जहाँ पे भी है चिक्स के जो साइड में होता है अपना, वहाँ पे इसको लगा लीजिए आप। ठीक है, इसको उंगली के साथ या किसी भी ब्रश के साथ आप अपने जिस साइड से हेयर की ग्रोथ होती है ना उस साइड
उसी की तरफ ऐसे लगाएं आप इसको, और फिर क्या है उसको लगाने के बाद सूखने दे, ठीक है, सूखने तक आप वेट करो, बिल्कुल सूखने तक आप इसका वेट करो। और इसको क्या है फेस के ऊपर ऊपर की तरफ जब ये सूख जाए, ठीक है, सूखने के बाद क्या है इसको ऊपर की तरफ रगड़ो, ठीक है, जो अपने हेयर है उसके हेयर ग्रोथ ना उसके अपोजिट साइड इसको ऐसे ऐसे रगड़ो, ठीक है, तो हेयर ग्रोथ के अपोजिट साइड आप इसको रगड़ के उतार दीजिए, ठीक है, सूखने के बाद आपको उतारना है। तो अगर हम अपने क्या है हेयर को रगड़ते हुए निकालेंगे इसे, तो जो हमारे हेयर है ना जो फेसियल हेयर है वो जड़ से ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है, ऐसे रगड़ने से जो हेयर की जड़ें हैं वो वीक पड़ जाएंगी, ठीक है, तो वीक पड़ जाने के बाद उनकी ग्रोथ अपने आप कम हो जाएगी। लेकिन क्या करना है कि इसको आपने हफ्ते में 3-4 बार तो ज़रूर से ज़रूर लगाना है। ये ज़रूरी नहीं है कि हफ्ते में 3-4 बार आप है ना इसको हर रोज़ भी अपने फेस पर अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा इसका आपके चेहरे के ऊपर, ठीक है, तो आप इसको हर रोज़ यूज़ करें तो उसके जैसी बातें नहीं हैं। और ये नहीं कि एक दिन या दो दिन के बाद आपके इसका असर होगा, नहीं, कम से कम 1 महीना 2 महीने 3 महीने लगातार आप इसको कीजिए, ठीक है, ये लगातार करने के बाद ही आपको इसका इफ़ेक्ट दिखाई देगा, ठीक है, आपके जो हेयर हैं वो बिल्कुल अपने आपके फेस से चले जाएंगे, बिल्कुल साफ़ हो जाएंगे, ठीक है, इसको लगातार आपने करते ही रहना है, ठीक है, सूखने के बाद रगड़ के उतरना है, जो अपने हेयर ग्रोथ है उसकी अपोजिट साइड, ये ध्यान रखना है, उसके अपोजिट साइड आपको उतरना है, ठीक है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो जो हमें तो आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये जो हेयर रिमूवर वाला हमने फेसियल हेयर वाला बताया है तो ये आप ये रेमेडी आपको कैसी लगी। थैंक यू।